मैं हसई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, पंजाब स्टेट ने 2022 के लिए अपना फीस स्ट्रक्चर जारी कर दिया है। इसकी कितनी फीस रहेगी, क्या इस पर एनएमसी बिल इंप्लीमेंट रहेगा या नहीं रहेगा, कितने सीटें हैं, सीएमसी लुधियाना की क्या कट ऑफ गई थी 21 में, इस बार क्या कट ऑफ जा सकती है, कितने सीटें हैं, क्या पंजाब में अदर स्टेट कैंडिडेट एडमिशन ले सकते हैं क्या, इन सब विषयों पर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप काउंसलिंग के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारी बुक डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, या फिर आप इसको हमारी वेबसाइट www.chopraeducation.in से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें मैंने हर एक स्टेट का काउंसलिंग प्रोसीजर दे रखा है, ऑल इंडिया का काउंसलिंग प्रोसीजर है, सीट मैट्रिक सर्विस बॉन्ड के बारे में जानकारी, 2022 में आपको च्वाइस लिस्ट कैसे फिल करनी है उसके बारे में जानकारी, सभी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस डिम्ड के बारे में जानकारी है। तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। ये एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष, वेटनरी सभी कोर्सेज के लिए अवेलेबल है। जैसे ही आप इसको डाउनलोड करेंगे हम आपसे संपर्क कर लेंगे। अब बात करते हैं हम पंजाब स्टेट की। तो पंजाब स्टेट में जो काउंसलिंग अथॉरिटी है वो बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज फरीदकोट है, इसी के द्वारा यहाँ पर काउंसलिंग करवाई जाती है। हालांकि पंजाब स्टेट के अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुए हैं, लेकिन इन्होंने एक नोटिस के जरिए ये बता दिया है कि पंजाब स्टेट की फीस क्या है, उसके एडमिशन के रूल्स क्या हैं। तो आइए एक बार हम वो नोटिस देख लेते हैं। तो ये पंजाब स्टेट की काउंसलिंग की वेबसाइट है bfuhs.ac.in। तो इस पर एडमिशन पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे यहाँ पर हमें एडमिशन की सारी फॉर्मेलिटीज इसी पर मिलेंगी, एडमिशन की पूरी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर इसी जगह से मिलेगी। अब एक बार हम नोटिफिकेशन देख लेते हैं। तो ये 31 अगस्त 2022 का नोटिफिकेशन है और ये बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ने दे रखा है काउंसलिंग के रिगार्डिंग। तो एक बार हम इसको ओपन कर लेते हैं तो ये नोटिस हमारे सामने आ चुका है। अब इसमें हम देखते हैं कि इसकी इलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन से कैंडिडेट इसमें एडमिशन ले सकते हैं, पंजाब स्टेट में कौन कौन से कैंडिडेट एडमिशन ले सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो इसमें सबसे पहले हम देखें तो इसमें इलिजिबिलिटी देखते हैं हम, तो इसमें पंजाब स्टेट एक सेमी ओपन स्टेट है। सेमी ओपन स्टेट का मतलब यह है कि इसके अंदर पंजाब स्टेट के कैंडिडेट ही एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन सेकंड राउंड से अदर स्टेट के कैंडिडेट एडमिशन ले सकते हैं, वो भी बीडीएस कोर्स के लिए, और इसमें पहले पंजाब स्टेट को प्रेफरेंस पहले दिया जाएगा। तो जब इसका रिजल्टेंट देखते हैं हम कि परिणामतः क्या इसमें आउट स्टेट कैंडिडेट एडमिशन ले सकते हैं, तो एमबीबीएस सीट के लिए तो इसमें आउट स्टेट कैंडिडेट प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन नहीं ले सकते, क्योंकि ये हर साल रूल चेंज होता रहता है। तो इस साल के लिए 22 के लिए ये क्लियर रूल आ चुका है कि इसमें जो इलिजिबल रहेंगे कैंडिडेट्स वो पंजाब स्टेट के कैंडिडेट्स ही इलिजिबल रहेंगे। इसमें ये क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस है। इसमें इंस्ट्रक्शंस मैं आपको दिखा देता हूं 2022 के लिए। इसमें क्लियर लिखा है दी कैंडिडेट शुड बी ए बोनाफाइड रेजिडेंट ऑफ पंजाब। तो ये बिल्कुल क्लियर रूल है इसमें। बाकी इसके अलावा जो एडमिशन ले सकते हैं, जैसे वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सन पंजाब के हो गए, जो पोस्टेड हैं पंजाब में, जो एनआरआई कैटेगरी के कैंडिडेट हैं वो ले सकते हैं इसमें अदर स्टेट के। तो इसमें ये क्लियर सा है कि पंजाब स्टेट में अदर स्टेट के कैंडिडेट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते, ये बीडीएस में एडमिशन ले सकते हैं। बीडीएस का रूल पिछली साल का था, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। 21 में सिर्फ इन्होंने रूल दिया था कि बीडीएस में ही आप एडमिशन ले सकते हैं। तो ये 21 का रूल है पंजाब के लिए कि कैंडिडेट है वो सेकंड राउंड से अगर पंजाब की मेरिट खत्म हो जाती है, कोई कैंडिडेट अवेलेबल नहीं होता है, तो बीडीएस कोर्स के लिए वो एडमिशन ले सकते हैं। ये 21 में रूल था, अभी इस बार का जो प्रोस्पेक्ट आएगा उसमें देखते हैं कि बीडीएस के लिए भी लागू रहेगा या नहीं रहेगा, ये प्रोस्पेक्ट आने के बाद पता लगेगा। अभी तो नोटिफिकेशन आया है जिसमें ये बिल्कुल नहीं कहा गया है कि अदर स्टेट के कैंडिडेट इसमें इलिजिबल होंगे, लेकिन ये 2020 में अदर स्टेट के कैंडिडेट इलिजिबल थे, वो भी मैं 2020 का भी आपको प्रोस्पेक्ट यहां दिखा देता हूं। 2020 की बात करें तो इसमें बीडीएस का कुछ भी मेंशन नहीं किया गया था, उसमें क्लियर लिखा था कैंडिडेट बिलोंगिंग टू अदर स्टेट सेल बी कंसिडर्ड ड्यूरिंग सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग। तो ये बिल्कुल क्लियर था 2020 में। 21 में अलग रूल था ये, और फिर 22 में इस बार किसी को भी कंसिडर नहीं किया जा रहा है, बीडीएस के लिए भी नहीं किया जा रहा है, ये मैंने आपको दिखा दिया है इसमें।
तो ये तो हो गई, क्या अदर स्टेट कैंडिडेट पंजाब स्टेट में एडमिशन ले सकते हैं क्या, इसकी कंडीशन। तो अदर स्टेट कैंडिडेट पंजाब स्टेट के लिए एमबीबीएस कोर्स के लिए एडमिशन नहीं ले सकते, इसमें पंजाब स्टेट के कैंडिडेट ही इसमें इलिजिबल होंगे। अब पंजाब स्टेट ने अपना फीस स्ट्रक्चर जारी कर दिया है, तो हम सब जानते हैं कि पंजाब स्टेट की जो फीस है वही ऑल इंडिया कोटा के लिए रहती है, और पंजाब स्टेट की जो पिछली साल की 21 की फीस थी 1,58,000 रुपीज थी पर एनम थी, और इसमें जो इंक्रीमेंट था वो 10% पर ईयर का, सॉरी 5% पर ईयर का इसमें इंक्रीमेंट था। तो इसमें इस साल की जो फीस है 5% इंक्रीमेंट के साथ में जो फर्स्ट ईयर की फीस है वो 1,66,000 है, यही ऑल इंडिया कोटा के लिए रहने की पॉसिबिलिटी है, और यही स्टेट कोटा के लिए है। सेकेंड राउंड में इसमें फिर 1,82,000 इसमें फीस लग जाएगी, और ये जो फीस है थर्ड ईयर में 1,98,000 लगेगी, और फोर्थ ईयर में 2,15,000, और फाइनल ईयर जो फिफ्थ ईयर है उसमें हाफ हो जाएगी 1,01,000 यहाँ पर ये फीस हो जाएगी। तो ये गवर्नमेंट कोटा के लिए ये फीस जारी हो चुकी है, और ऑल इंडिया कैंडिडेट के लिए यही फीस रहने की संभावना है, क्योंकि पंजाब स्टेट में यही फीस रहती है ऑल इंडिया और स्टेट के लिए। अभी बात करेंगे हम बीडीएस कोर्स के लिए, तो बीडीएस कोर्स की फर्स्ट ईयर की 80,000 फीस है, सेकंड ईयर की 90,000 फीस है, थर्ड ईयर की इसकी 1,00,000 है, और फोर्थ ईयर की 1,10,000 फीस है इसकी। तो इस प्रकार से ये फीस है इसमें। हॉस्टल का 19,800 रुपीज, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज और रूम रेंट है इसमें, तो ये इसका रूम रेंट है हॉस्टल का। अब बात करते हैं आगे हम इसकी प्राइवेट कॉलेजेस की फीस के बारे में, तो प्राइवेट कॉलेजेस की फीस भी डिक्लेयर हो चुकी है यहाँ पर। जो फर्स्ट ईयर की फीस है वो 9,92,000 है, सेकेंड ईयर की फीस 10,92,000 है, थर्ड ईयर की 11,91,000 है, और फोर्थ ईयर की फीस 12,90,000 है, और फिफ्थ ईयर की जो हाफ फीस लगेगी 6,95,000 इसमें फीस है। तो ये प्राइवेट कॉलेजेस की एमबीबीएस की फीस है। बीडीएस की फीस देखें तो हम बीडीएस की फीस इस प्रकार से है, बीडीएस की फीस इसमें फर्स्ट ईयर की फीस 2,20,000 है, सेकेंड ईयर की 2,42,000 है, ये 35% कोटा के लिए है जो मैनेजमेंट की फीस है। थर्ड ईयर की फीस 2,66,200 है, और फोर्थ ईयर की 2,92,820 है। तो इस प्रकार से ये गवर्नमेंट कोटा की फीस है। इसके बाद में हम एनआरआई की फीस की बात करें तो 1,10,000 यूएस डॉलर एमबीबीएस के लिए है, बीडीएस के लिए इसमें 44,000 फीस है इसमें। तो इस प्रकार से ये फीस स्ट्रक्चर दिया गया है इसमें। अब इसमें जो गवर्नमेंट कोटा है उसकी 50% सीट से मैनेजमेंट की 35% सीट है, तो इसमें जो गवर्नमेंट कोटा है प्राइवेट कॉलेजेस में वो पंजाब स्टेट के कैंडिडेट के लिए ही है। तो फर्स्ट ईयर की 3,86,500 है, सेकेंड ईयर की 4,24,000 है, थर्ड ईयर की 4,63,000, और फिफ्थ ईयर की 5,02,000, और फिफ्थ ईयर की 2,70,000। तो इस प्रकार से ये गवर्नमेंट कोटा की फीस है पंजाब स्टेट के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की। अब हम इसमें आगे बात करते हैं, ये तो प्राइवेट कॉलेज की फीस की बात हो गई, इसके एक माइनॉरिटी कॉलेज है एसजीआरडी यूएचएस अमृतसर में है, तो उसकी फीस भी सेम वही है एमबीबीएस कोर्स के लिए और बीडीएस कोर्स के लिए इसमें फीस दी गई है, तो वो आप इसमें देख सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि पंजाब स्टेट में जो मेडिकल कॉलेज है, चार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है और एक एम्स है, एम्स बठिंडा है, इसके अलावा 5 नॉन माइनॉरिटी की प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं और 2 माइनॉरिटी की मेडिकल कॉलेज हैं, जिसके अंदर एक एसजीआरडी आता है और दूसरा सीएमसी लुधियाना आता है। सीएमसी लुधियाना क्रिश्चियन माइनॉरिटी की कॉलेज है, जिसके अंदर 4 सीट ऑल इंडिया कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए है, यानी कि इन 4 सीट्स पर ऑल इंडिया का कोई भी कैंडिडेट एडमिशन ले सकता है सीएमसी लुधियाना में। अब इन सीट्स पर फीस क्या होगी, तो इन सीट्स पर जो सीएमसी लुधियाना की फीस है वो 6,60,000 रुपीज एमबीबीएस के लिए रखी गई है। इसके बाद में सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन उसमें इस प्रकार से है कि जो 4 सीट्स हैं वो सीट्स उसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट्स के लिए हैं, इसमें ऑल इंडिया का कोई भी कैंडिडेट एडमिशन ले सकता है इसमें 4 सीट्स पर। इसके बाद 8 सीट स्टेट कैंडिडेट्स के लिए है, 3 सीट्स इसमें एससी कैंडिडेट्स के लिए है, और 1 सीट है वो बीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए है, और जो टोटल 48 सीट्स है वो माइनॉरिटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए है, और माइनॉरिटी कैटेगरी में भी अलग अलग इनकी कैटेगरियां हैं। तो ये इस प्रकार से सीएमसी लुधियाना का
सीट मैट्रिक्स है। अब मैं आपको बताऊं कि पिछली बार 21 में जो सीएमसी लुधियाना है उसकी क्या कट ऑफ रही थी, तो 21 में जो सीएमसी लुधियाना की कट ऑफ रही थी वो 605 मार्क्स, यानी कि जिस रैंक पे गई थी वो 16,705 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हो गई थी। ये चार सीट के लिए सीएमसी लुधियाना की यही कट ऑफ थी, यानी कि गवर्नमेंट कोटा की कट ऑफ के बाद पहले ही ये सीट अलॉट हो गई थी। तो इस प्रकार से ये पंजाब स्टेट के लिए मैंने आपको इलिजिबिलिटी भी बता दी है और फीस स्ट्रक्चर भी बता दिया है। फीस इनकी इंक्रीज हो चुकी है, एनएमसी का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो अभी पंजाब स्टेट के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए नहीं है, ये एक नोटिफिकेशन था जो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया था। शेड्यूल जारी हो जाएगा काउंसलिंग का तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, काउंसलिंग का जैसे ही शेड्यूल जारी हो जाएगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। हर एक स्टेट की इन्फॉर्मेशन हम यहां पर लेके आएंगे, बाकी स्टेट्स के जैसे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो ये जानकारी थी पंजाब स्टेट के बारे में, बाकी स्टेट्स के बारे में जानकारी लेके हम जल्द आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए